हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी पर। दोस्तों, इसमें आपको हम सिखा रहे हैं सिद्ध करने का सवाल, जो कि आपका प्रश्नावली 8.4 का है। यदि आप अभी तक जो है इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे जो है कि आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यानी कि उसमें पार्ट वन में आपको बताया गया है सिद्ध करने वाला 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को। यदि आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल का मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। ये कह रहा है कि 6वां क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस क्या, साइन ए बराबर सेक ए प्लस क्या टेन ए। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, सीध करके दिखाना है कि यह बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो पहले आपको समझना यह है कि हम लोगों को इसको हल करके कितना ला देंगे हम लोग कि आसानी से जो है कि हम लोग इतना ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग जांच करने के लिए सेक को पहले चेंज कर देंगे, 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, प्लस इसको चेंज करेंगे साइन थीटा बटा में क्या, कॉस थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन थीटा। यानी कि हम लोग इतना हम लोग ला दें लेफ्ट हैंड साइड को हल करके, यदि हम लोग इतना ला दें तो आसानी से जो है कि हम लोग इतना ला सकते हैं सेक ए प्लस क्या टेन ए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं कैसे हल करेंगे। आपका लिया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका सवाल है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस क्या है साइन ए। ठीक है, तो इसका हम लोग परिमिकरण करेंगे, 1 माइनस साइन ए हर में है तो इसका परिमिकरण करेंगे, इसका क्या करेंगे परिमिकरण। तो परिमिकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए है तो परिमिकरण करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन ए। ठीक है, परिमिकरण करने का नियम यह होता है कि जब हर से आप कर रहे हैं या अंश भेद से भी करेंगे तो हर से 1 माइनस साइन ए है हर में ना, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन ए से नीचे और 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम प्रोसेस वही। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है। इसके बाद हो जाएगा करणी में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार है तो यह हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन ए का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं दो बार है तो, बटा में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है तो आपका हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। यहां से आपका हो जाएगा करणी में 1 प्लस साइन ए का क्या स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए शॉर्ट समीकरण से कितने के बराबर कॉस स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग वर्गमूल लेंगे क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, ये पूरे की करणी है तो इसका देखिए ये पूरे का स्क्वायर है और बटा में आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 बार है, इसमें 2 बार है और जोड़ा लगेगा तो एक निकल जाएगा इसमें से, यानी कि यह वर्गमूल लेंगे तो आपका सिर्फ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए ये टोटल माना गया यहां पर, अभी हम बताए थे ना, तो यहां से आपका हो जाएगा बारी बारी भिन्न लगाए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस इसका हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए बटा में क्या कॉस ए। अब हम लोग जो है कि साइन और कॉस के फार्मूले के नियम से हम लोग चलेंगे तो देखिए यदि सेक थीटा होता है तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन क्या कॉस थीटा, और यदि आपका टेन थीटा होता है तो इसको हम लिखते हैं क्या साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा। पार्ट वन में जो है कि सब कुछ बताया गया है, यानी कि इसके 1 से लेकर जो 6 तक 5 तक जो है प्रश्नों को बताया गया है उसमें सेम जो है कि प्रोसेस यही सब चला है, यानी कि इसी तरह से हम लोग चेंज करके हल किए हैं। तो इसमें आपका देखिए 1 अपॉन cos a है तो 1 अपॉन cos a की जगह पर क्या लिख सकते हैं sec थीटा, यानी कि क्या sec थीटा की जगह एंगल कितना है a प्लस साइन ए बटा में cos a tan a, यानी फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा क्या tan a। ठीक है, क्या लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है राइट हैंड साइड के मान बराबर आया कि नहीं आया, यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, इति सिद्धम। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए ये 7वां है, 7वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे समझिएगा, ये भी सिद्ध करना है इसको भी। करेंगे साइन थीटा माइनस 2 sin q थीटा बटा में 2 cos q थीटा माइनस क्या cos थीटा बराबर क्या लाना है tan थीटा। सबसे पहले देखिए
टेन थीटा यदि हम लोग को लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लाना पड़ेगा साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करके साइन थीटा बटा में कॉस थीटा ला दें तो हम लोग आसानी से जो है कि टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, चलिए डायरेक्ट देखिएगा, एक ही बार मैं ले रहा हूँ, या इसको थोड़ा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन क्यू थीटा बटा में क्या टू कॉस क्यू थीटा और माइनस क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा मिस्टेक ना हो, हाँ ये सही है चिन्ह, यहाँ से आप देखिए साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा, दोनों में देखिए अंश में दो पद हैं, दोनों में कॉमन क्या है साइन थीटा। अब साइन थीटा इसमें से निकल गया तो वन बच गया, माइनस टू है ना टू, इसमें साइन तीन था और तीन में से एक निकल गया है तो कितना बचेगा, दो बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, बाटा में आइए, टू है देखिए दोनों में कास है, तो सबसे पहले कॉमन जब साइन और कास में कॉमन लिया जाता है तो जिसका घात छोटा होता है सबसे छोटा घात वाला ही लेते हैं, तो साइन का घात इसमें एक था कुछ भी नहीं है तो इसका घात तीन, तो सबसे एक घात वाला छोटा है ना, और इसमें भी सबसे छोटा ये है क्योंकि कास का घात एक है, तो इसमें होगा क्या कास थीटा कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा टू कास क्यू थीटा और माइनस, इसमें से कास निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तीन था तो एगो निकल गया तो कितना बचा दो। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए कीजिए। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा कोष्टक में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अब बाटा में यह है आपका है कॉस थीटा कोष्टक में टू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये साइन में है तो हम लोग इसको साइन में चेंज कर दें तो आसानी से ये कट सकता है क्योंकि दोनों साइन में रहेगा तो कट भी सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कोष्टक में कास स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो वन माइनस क्या होता है सौर समीका से साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता ही होगा माइनस वन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, चलिए इसके बाद आगे भी देख लेते हैं भाई, ये आपका है साइन थीटा, साइन थीटा कोष्टक में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में, ये देखिए ये कॉस थीटा है ना कॉस थीटा कोष्टक में, ये दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू माइनस दो एक कम दो, और दो से साइन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब माइनस वन है तो आप लगा दीजिए क्या दोस्तों माइनस वन। ठीक है, चलिए आगे भी बढ़ देख लेते हैं, साइन थीटा कोष्टक में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में, ये आपको हो जाएगा क्या कॉस थीटा कोष्टक में, दो में से एक घटा दीजिए तो एक हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर क्या टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, चलिए यहां से ये इससे क्या होगा कट जाएगा, इसके बाद बच गया क्या साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा, आ एक बात याद रखिए अभी मैं बताया हूं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा तो आ गया, लेकिन इसके जगह पर क्या रख सकते हैं आप टेन थीटा, क्या राइट हैंड साइड आया तो लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आठ देखते हैं, ये आपका आठवां है, इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है, तो दोस्तों देखिए कोई भी आपको सवाल यदि सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप लोगों को सौर समीका मालूम होनी चाहिए और साइन और कास में जो चेंजिंग किया जाता है वो पता होना चाहिए, तो आसानी से जो है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी समझा देते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और लाना है आपको क्या राइट हैंड साइड, तो चलिए हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग जो है कि प्रोसेस लेकर चल रहे हैं अब यहीं से, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है तो क्या इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो फार्मूला आपका होता है पहले का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या टू ए बी, वास्तव में आपका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग आसान तरीके के लिए इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, चलिए
तो रखेंगे तो ए का मान साइन ए है, बी का मान कोसेक ए, तो आप रखेंगे क्या करेगी ए का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका भी स्क्वायर कीजिए कोसेक स्क्वायर क्या ए, ठीक है, प्लस टू ए बी, यानी कि आपका हो जाएगा क्या साइन ए इंटू क्या कोसेक ए, ठीक है, दोनों का गुणनफल हो गया साइन ए इंटू क्या कोसेक ए, प्लस इसमें आ जाइए कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कास ए इंटू क्या सेक ए, क्लियर तो हो गया होगा क्योंकि आपका सिर्फ फॉर्म जो है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है। यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए ये जो दोनों हैं दोनों मिलकर कितने के बराबर हो जाएगा एक के, स्वर समीका आपको पता है तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। या और देखिए कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए जो होता है देखिए हम लोग ले चलना है टेन और काट में चेंज करके, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए जो है होता है आपका फार्मूला होता है वन प्लस क्या काट स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वह होता है स्वर समीका से वन प्लस काट स्क्वायर ए के बराबर आप लिख सकते हैं स्वर समीका के अनुसार, तो यह प्लस हो जाएगा टू साइन इंटू कोसेक को चेंज कर दीजिए साइन में है तो साइन में, तो वन अपन क्या हो जाएगा साइन ए प्लस, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, तो यह आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए को जरा चेंज कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करेंगे तो आपका होता है वन प्लस क्या टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से आपका हो जाएगा प्लस टू कॉसे इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक है ना, तो सेक को जरा चेंज कर दीजिएगा तो सेक बराबर होता है क्या वन अपन क्या कॉस ए, क्योंकि जिसका स्क्वायर नहीं मिला है उसको हम लोग जो है कि साइन और कॉस में चेंज कर दिए हैं और जिसका स्क्वायर मिला है उसको सर समीका में ले लिए, ठीक है, चलिए वन प्लस प्लस वन काट स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए क्या होगा कट जाएगा टू प्लस, यहां पर समझ लीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर क्या ए, कासे से कासे क्या होगा कट जाएगा प्लस क्या टू। अब यहां से आगे प्रोसेस चलते हैं, समझिएगा पहले टेन में और काट में, टेन काट में आ गया है ना, बच गया क्या सात, तो चलिए भाई एक एक दो दो चार पाँच और पाँच दो सात, ये आपका हो गया क्या सात प्लस सजाइए जरा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या दोस्तों काट स्क्वायर ए, ये रहा आपका क्या आंसर। क्या लेफ्ट हैंड साइड को हल किए हैं, क्या राइट हैंड साइड आया है आ गया है, तो यह हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर नौ को, ये आपका प्रश्न नंबर नौ है, ठीक है, पांचवे का नौ, ठीक है, इसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है क्योंकि इसमें जो है कि आपको सिद्ध करना है दोनों पक्षों को, ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों पक्षों को सिद्ध करेंगे क्योंकि एक बटा में टेन ए प्लस क्या है काट ए है, ठीक है, तो हम लोग दोनों पक्षों को सिद्ध करके ले चलेंगे क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट यानी कि सभी में ये मान दिया है सेक और आपके क्या कोसेक, ठीक है, जब आपके सभी मान आ चुके हैं तो सभी मान आ चुके हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मानों को हल करके लाएंगे और आपका संकेत में भी दिया है कि दोनों पक्षों को क्या कीजिए हल कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला पक्ष है क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलिए ये जो आपका सवाल है पहले ही हम लोग चेंज कर लेते हैं कोसेक को, हम लोग अधिकांश तो पहले मैं स्टार्टिंग में ही बताया था जब प्रश्न नंबर एक स्टार्ट किया था तो उसमें बताया गया था ये कि अधिकांश तौर से आप लोग साइन और कास में चेंज करेंगे, तो नहीं पता है कि किसका क्या होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोसेक ए बराबर होता है वन अपान क्या साइन ए होता है और सेक ए बराबर क्या होता है वन अपान कासे होता है और टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा में क्या होता है कासे होता है और काटे बराबर क्या होता है कास ए बटा में क्या साइन।
लिख दिया ना सभी, सभी लिख दिया गया है, तो आप लोग चेंज करने में तो आसानी होगी आप लोगों को। चलिए कोसेक को जरा चेंज कर लीजिए, तो वन अपन क्या होता है साइन ए माइनस ये क्या है साइन ए, ठीक है क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक को जरा चेंज कर दीजिए, वन अपन क्या है कॉस ए माइनस, आइए कास है तो कासे रहने दीजिए क्योंकि खुद ही चेंज हुआ है। चलिए आगे स्टेप, साइन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाटा में क्या साइन ए, ठीक है। दूसरे कोष्टक में आ जाइए, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं यहाँ पे, कास से मल्टीप्लाई कर दी तो वन अपान क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, बिल्कुल कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कास ए, ठीक है। चलिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए सौरसमिका से कितने के बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, सौरसमिका पता है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए गुणे वन माइनस कास स्क्वायर ए, ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में ये क्या हो जाएगा कास, कन्फ्यूजन दूर हो गया है। इससे ये क्या होगा कट, क्योंकि ऊपर दो है नीचे एक है, कट गया नीचे एक है ऊपर कितना है दो, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों कास ए इंटू साइन ए, या लिख सकते हैं साइन ए इंटू क्या कास। ये अभी हम लोग निकाले हैं लेफ्ट हैंड क्या साइड, लेफ्ट हैंड साइड रहा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड साइड को भी कि राइट हैंड साइड कैसे हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी जो चेंजिंग वाला अभी लिखे थे यहाँ पे, याद रखिएगा कि किसका चेंजिंग क्या हुआ था, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो राइट हैंड साइड है वन अपान बटा में टेन ए प्लस काटे है ना, तो जरा चेंज कर दीजिए, तो टेन को अभी लिखे थे यहाँ पे कि साइन ए लिख सकते हो, अब बटा में कितना लिख सकते हो कास ए, सिर्फ हम लोग फार्मूले पे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। आइए कास को लिख सक काट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा में क्या दोस्तों साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि एक बटा में इन दोनों का जरा एलसीएम ले लेंगे, तो यह हो जाएगा साइन ए आई इंटू क्या होगा कास ए, समझ में आ रहा है। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कास से कास कट जाएगा साइन बचेगा, साइन से इसमें गुणा कर दीजिए तो साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा कास बचेगा, यह हो जाएगा कास स्क्वायर क्या ए। आगे बढ़ते हैं, यह भिन्न पलट जाएगी, देखिए इसका आंसर और दोनों है तो भिन्न पलटेगी, तो कास जो है यानी कि साइन इंटू कास ये आपका अंश में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू क्या कास ए, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कास स्क्वायर ए। अब यहाँ से आ जाएंगे, अब ये आपका हो जाएगा साइन ए आइन टू क्या कॉस ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, और वन से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना ही रह जाएगा ना, तो क्या ये जो राइट हैंड साइड आया है क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया है, आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या साइड, ये रहा आपका सोल्यूशन, इति सिद्धम रहा। तो दोस्तों आप जो है कि इसी तरह से सॉल्व करते रहिएगा, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग घबरा गए होंगे पहले ही कि इसमें तीन मान दिया गया है, तो तीन मान तो दिया गया है ठीक है, लेकिन तीनों पक्षों को जो है कि बराबर भी करना है, पहला दूसरा और क्या तीसरा, ये आपको ये दिखाना है कि जो पहला मान है क्या ये जो पहला मान टेन स्क्वायर के बराबर हो सकता है, क्या ये दूसरा मान है ये भी टेन स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो नहीं है तो हम लोग तीनों को जो है कि एक ही साथ ले चलेंगे, तो चलिए तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है सोल्यूशन हो रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर जो ए होता है वह बराबर होता है किसके सेक स्क्वायर ए के, फार्मूले के अनुसार वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वह होता है कोसेक स्क्वायर क्या ए, बराबर आ जाते हैं। वन माइनस टेन ए है, चेंज कर दीजिए इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस टेन को लिख सकते हैं क्या साइन ए बटा में कितना
कॉस ए। यदि इसका भी स्क्वायर रहता तब हम लोग इस तरह से सौर समीकरण इसका लगा सकते हैं, लेकिन इसको साइन साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा वन माइनस कॉस का है तो कॉट कॉस ए बटा में क्या साइन ए। अब पूरे का क्या स्क्वायर बराबर बताना है ये कि टेन स्क्वायर ए के क्या होगा, ये बराबर होगा, तीनों मान हम एक ही बार बराबर कर दे रहे हैं। अब इसको जरा चेंज कर लीजिए सौर समीकरण के अनुसार, ये दोनों का स्क्वायर है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेक को जरा चेंज कर दीजिए तो वन अपान क्या होता है कासे होता है, और जरा साइन को कोसे को चेंज करेंगे तो वन अपान क्या होता है साइन ए का पावर कितना दो बारह। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कास ए माइनस क्या साइन ए, ठीक है। अब बटा में आपका हो जाएगा कास ए, ठीक है। अब इसके बाद पूरे का बटा ये आपका हो जाएगा फिर साइन ए और माइनस क्या कॉस ए, अब बाटा में कितना साइन ए, इसका पावर कितना लगाएंगे दो है तो क्या दो, और कह रहा है कि दिखाओ कि टेन स्क्वायर ए दिखाना है कि टेन स्क्वायर क्या ए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए अंश और हर इसका भी है, अंश और हर इसका भी है, तो इसको हम लोग इसको घुमाकर यानी कि हर अंश यानी कि भिन्न का बट्टा भिन्न रहता है तो नीचे वाली अंश पलट जाती है, तो ये साइन जो ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए साइन ए बटा में आपका क्या हो जाएगा कॉस ए का क्या स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू इसमें जरा देखिए ये भी भिन्न पलट जाएगी तो भिन्न पलटेगा, देखिए ये टोटल मान यानी कि हर वाला ये मान सिर्फ अंश में जाएगा और ये जो इसका हर जो है इसके साथ जाएगा यानी कि अंश के साथ जाएगा, तो यानी कि इसको हम लोग घुमा कर पलटेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस क्या साइन ए, अब बटा में आपका क्या है कॉस ए है ना। अब इसके बाद कोष्टक लगा लीजिए, अब दूसरा क्या था ये आपका था ना, यहाँ से हो जाएगा साइन ए, अब बटा में ये आपका है साइन ए और माइनस क्या है कॉस ए का क्या स्क्वायर, बराबर आपको कितना लाना है दोस्तों टेन स्क्वायर, इतना तो ठीक है ना। अब समझिए कॉस ए माइनस साइन ए है और ये साइन ए माइनस क्या है कॉस ए, यदि हम लोग को साइन ए माइनस कॉस ए करना है तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यदि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो नीचे अंदर वाले का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो ये साइन ए अब माइनस कासे हो गया, ये भी साइन ए माइनस कासे, तो क्या इससे ये कट सकता है, एक स्टेप यहाँ से कट चुका है, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं है तो आप लोग जो कि इसी तरह से अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, तब तो ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों साइन ए बटा में कास है स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं देखिए साइन बटा में कास, साइन बटा में कास आपका क्या होता है टेन के बराबर होता है कि नहीं होता है, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, बराबर आ जाइए। अब देखिए साइन ए बटा में कास से बचेगा तो साइन ए बटा में कास से कितने के बराबर हो जाएगा टेन ए के बराबर, आ घात दो है तो घात कितना लगा देंगे दो बराबर, आ ये भी है खुद ही टेन स्क्वायर क्या ए, क्या तीनों जो मान है आपस में बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसेस एक ही बार में जो है कि हम लोग सॉल्व कर दिए हैं एक ही स्टेप लेकर के, यानी कि एक ही साथ तीनों को लिया गया है, नहीं है तो आप लोग जो है कि प्रथम भाग को अलग कर सकते हैं, दूसरे भाग को अलग कर सकते हैं, और तीसरा भाग खुद दिया हुआ है, इसके बाद जब दोनों का मान आएगा तो आप लिख सकते हैं कि पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर क्या तीसरा भाग। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रोसेस त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला, तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।